नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब राजस्थान में अपनी ही पार्टी के एक मंत्री के बेटे के निशाने पर आ गए हैं। राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने राहुल गांधी पर विदेशी जमीन से देश का अपमान करने का आरोप लगाया है। अनिरुद्ध ने लंदन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के ग्रैंड कमेटी रूम में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल के हवाले से एक समाचार रिपोर्ट को टैग करते हुए ट्वीट किया, हमारी संसद के माइक खामोश हैं। ऐसा कहकर क्या राहुल गांधी झक्की हो गए हैं जो दूसरे देश की संसद में अपने देश का अपमान करते हैं? शायद वो इटली को अपनी मातृभूमि मानते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब अनिरुद्ध सिंह किसी मामले को लेकर विवाद में हैं। इससे पहले मई 2021 में अनिरुद्ध ने अपने पिता पर अपनी माँ को प्रताड़ित करने का और शराब का आदि होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मैं पिछले 6 सप्ताह से पिता के संपर्क में नहीं हूँ, वो मेरी माँ को प्रताड़ित करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो दोस्त मेरा साथ देते हैं उनके व्यवसायों को भी बंद करा दिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैच की सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच हैदराबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। भारत की प्लेइंग 11 में एक बदलाव हुआ है। मोहम्मद सिराज को आराम देकर मोहम्मद शमी को लाया गया है। इस मैच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बानीज भी स्टेडियम में मौजूद हैं। मैच से पहले दोनों ने रोहित शर्मा और स्टीव स्मिथ को विशेष कैप सौंपी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में टीम इंडिया अब तक 2-1 से आगे है। टीम इंडिया ने शुरुआती 2 मैच जीते थे, जबकि इंदौर में खेला गया 3रा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था। ऐसे में जहां ऑस्ट्रेलिया की कोशिश होगी कि वो इस मैच को जीतकर 4 मैच की सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराए, वहीं भारतीय क्रिकेट टीम की नजरें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की करने पर होंगी। बॉलीवुड एक्टर सतीश कौशिक के निधन से बॉलीवुड जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। महज 66 साल की उम्र में सतीश कौशिक का निधन हो गया है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और वो गुरुग्राम में किसी से मिलने जा रहे थे। गुरुग्राम के फोर्टिस में उनका शव है। पोस्टमार्टम के बाद शव को मुंबई लाया जाएगा। उनके निधन से फैंस भी दुख में है, क्योंकि एक दिन पहले ही सतीश कौशिक ने होली मनाई थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सतीश कौशिक ने जावेद अख्तर, शबाना आजमी, महिमा चौधरी और ऋचा चड्ढा, अली फाजिल साथ होली मनाई थी और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। तस्वीरें शेयर करते हुए सतीश कौशिक ने लिखा था, कलरफुल होली एंड फन होली पार्टी। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।